हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग यूज़ करते हो सैमसंग का स्मार्टफोन और आप लोग वेट कर रहे हो कि यार हमारे स्मार्टफोन के अंदर फाइनली 185.1 की अपडेट जो है वो कब तक देखने के लिए मिल जाएगी, तो गाइस यहाँ पे सैमसंग ने ऑफिशियली इंडिया में जो है ना अपने एक और न्यू स्मार्टफोन के लिए 185.1 की अपडेट रिलीज कर दी है। तो आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कौन से स्मार्टफोन के लिए अपडेट रिलीज किया गया है, क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स और फीचर्स के साथ अपडेट हमें देखने के लिए मिल जाती है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, वहीं पे चैनल पे पहली बार विजिट की हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सैमसंग ने ऑलमोस्ट अपने काफ़ी सारे स्मार्टफोन के लिए 185.1 की अपडेट जो है ना वो रिलीज कर दी है। तो उसी के साथ सैमसंग ने रिसेंट में ही M13 5G के लिए भी 185.1 की अपडेट रिलीज कर दी है। बात करें इसके अपडेट फाइल के बारे में तो 986.81 MB की हमें अपडेट फाइल देखने के लिए मिल जाती है। 1 February 2023 का सिक्योरिटी पैच इंक्लूड किया गया। वहीं पर ये अपडेट जो रिलीज की गई है ना वो इंडियन यूजर्स के लिए अपडेट रिलीज की गई है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस अपडेट के अंदर हमें 185.1 इंक्लूड भी देखने के लिए मिल जाती है और काफी सारी फीचर्स हमें इंक्लूड देखने के लिए मिलती है। गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि क्या क्या फीचर्स हमारे M13 डिवाइस में देखने के लिए मिलती है। उसकी लिंक आप लोगों को आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप लोग उससे वॉच कर सकते हो। वहीं पर बात करें सैमसंग के अदर स्मार्टफोन्स के बारे में, जिन भी स्मार्टफोन्स के अंदर अभी तक 185.1 की अपडेट देखने के लिए नहीं मिली है, तो गाइस आप लोगों का स्मार्टफोन अगर करेंटली अपडेट पर रन कर रहा है ना, यानी कि एंड्रॉइड 13 बेस्ड 185.0 पे रन कर रहा है आप लोगों का स्मार्टफोन, तो आप लोगों के स्मार्टफोन के अंदर भी 5.1 की अपडेट जो है ना वो देखने के लिए मिलेगी। बस उसके लिए आप लोगों को क्या करना है ना कि कुछ टाइम का वेट करना है। देन यहाँ पे आप लोगों के स्मार्टफोन्स के अंदर भी कुछ टाइम बाद जो है वो अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी। ज़्यादातर ये स्मार्टफोन्स के अंदर जो है ना वो इस अप्रैल मंथ में 185.1 की अपडेट मिलने वाली है। अगर आपका स्मार्टफोन बजट कैटेगरी का है या फिर से मिड रेंज कैटेगरी का है, तो गाइस नो डाउट आप लोगों के स्मार्टफोन्स के अंदर भी अपडेट जो है ना वो इसी अप्रैल मंथ में देखने के लिए मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में यही कुछ इंफॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट की हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।